गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स आई वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल सो बिफोर डिस्कसिंग द करंट टॉपिक दैट इज बायो मॉलिक्यूल्स इसमें हमारे तीन पोशन है सो वी हैव टू फोकस ऑन थ्री पोशन फर्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री सेकंड वन इज प्रोटीन केमिस्ट्री एंड थर्ड वन इज न्यूक्लियोसाइड केमिस्ट्री एंड न्यूक्लियोटाइड केमिस्ट्री सो आज हम फोकस करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स पे कार्बोहाइड्रेट्स कारबोहाइड्रेट इज द इम्पॉर्टेंट कंस्टोेंट ऑफ बायो मॉलिक्यूल्स दे इंक्लूड हमारे होते हैं सकरोसिलोसटिन और एनी अदर थिंग सो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए दूसरा महत्वपूर्ण चीज ये है कि दे आर प्रेजेंट बोथ इन प्लाट्स एज वेल एज एनिमल्स हाउ आर दे आर मोस्टली एबडेंटली आर द मैक्म कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज फाउंड इन प्लांट्स प्लाट्स में कैसे ये बनता है इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रा वायल्ट लाइट आर इन प्रेजेंस ऑफ एलेक्ट्रोमैगनेटिक रेडिएशन

इंपॉर्टेंट कंस्टोट ऑफ बायोमोलिक्यूल दे इंक्लूड शुगर्स सिटाच डेक्स्ट्रोस एक्सेट्रा सो अगर हमारे पास है यहां हमारे पास एक प्लांट है उसके लीवस ठीक है इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावाट लाइट या हमारे पास ऐसे भी बोल सकते हैं प्लांट्स के पार्ट्स होते हैं ऐसे भी ये बताते हैं संख्या एटमोस्फेयर में मौजूद है वाटर वेपर्स की संख्या एटमॉस्फेयर में मौजूद है इन प्रेजेंस ऑफ लीवस क्लोरोफिल जो होता है वो लीवस पे प्रेजेंट होता है एंड इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावाट लाइट इट रिजल्ट इन दमेशन ऑफ सी एक्स एच टू ओ वाई ये जनरल फार्मूला है कार्बोहाइड्रेट्स या मानोसक्राइड्रेट डाइसक्राइड या की भी बात हम कर सकते हैं एंड हमारे पास क्या मिलेगा ऑक्सीजन भी देता है फ्रेश ऑक्सीजन देता है जो हम इंसान या एनिमल्स यूटिलाइज करते हैं एक तो क्या काम करता है जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है एटमॉस्फेयर में ये तो इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो होती है ना प्लांट्स वो भी साफ करते हैं वो भी अपनी तरफ खींचते हैं दूसरा वाटर भी होता है इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट द लीव्स ऑफ इज रिलीज ऑफ फ्रेश ऑक्सीजन ज फोटोसिंथिस सो फोटोसिथिस के थ्रू मैगजिम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट विल बी फॉर्मड या वो बनते हैं ठीक है थीके? अच्छा अगर हम देखेंगे कि इम्पोर्टेंस क्या है कार्बोहाइड्रेट्स की बहुत इंपॉर्टेंस है जो आपका गजा होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है जो आपके क्लोथ जैसे लिग इन, इन होते हैं रिजन एडसेट्रा एट्सिट्रा वो कार्बोहाइड्रेट के ही बने होते हैं और इसके अलावा शल्टर जो आपका होता है स्पेशली सिल्यलोस स्टाच और एनी अदर सो बेसिकली ऑल थ्री आइटम्स विच आर एसेंशल फॉर लाइफ दैट इज फूड शेल्टर एंड क्लोथिंग द गिव दू एसेंटली ऑल थ्री थिंग्स ठीक है अब हम आ जाएंगे इसके बाद महत्वपूर्ण टॉपिक जो है दो कार्बोहाइड्रेट्स की ओल्ड डेफिनेशन ओल्ड डेफिनेशन अगर हम ओल्ड डेफिनेशन की बात करेंगे थोड़ा बहुत उसमें डिफिकल्टी है क्योंकि ओल्ड डेफिनेशन डायरेक्ट हमें बोलता है कि कार्बोहाइड्रेट दिया कार्बोहाइड्रेट है, कार्ब हैड़े, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन ये हाइड्रेट तो कभी नहीं बनाता है ठीक है सो so, यहाँ ये इसकी लिमिटेशन है दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है दे कंटेन कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड लेटर टू लाइक हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन दे पोर्शन ऑफ और प्रपोर्शन ऑफ टू लाइक इन वाटर अगर हम वाटर की बात करेंगे हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है इसमें दो अगर हम देखेंगे दो मोल या दो मोलिक्यूल या दो एटम्स हाइड्रोजन के हैं और एक औ, एक ऑक्सीजन का है यही वाली कंपोजिशन कार्बोहाइड्रेट की भी है कार्बोहाइड्रेट में हमारा कार्बन हो सकता है हाइड्रोजन हो सकता है ऑक्सीजन होगा बिसाइड्स दिस देयर कैन बी एनी अदर ग्रुप मगर मेन ग्रुप्स यही है अब जो ये लेटर वाले दो एटम्स होते हैं इनकी कंसंट्रेशन या इनकी कंपोजिशन लाइक दिस said, जहां भी ये है कंपोजिशन उसको हम कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं तो so ये ओल्डर डेफिनेशन थी तो ओल्डर लैंग्वेज में कार्बोहाइड्रेट इसका जिक्र ऐसे ही किया गया है किताबों पे अगर हम एग्जांपल देखेंगे जैसे सी सिक्स एच अगर हम लेटर लास्ट वाले दो एटम्स की बात करेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की टू इज टू ही है अगेन सिमिलरली फ्रक्टोज की बात करेंगे राइबोज की बात करेंगे और एनी अदर कार्बोहाइड्रेट तो कंसंट्रेशन यही होनी चाहिए प्रपोशन यही होना चाहिए कंपोजिशन यही होनी चाहिए मगर इसके लिमिटेशन अगर हम रेमोज की बात करेंगे रेमोज इज ए कार्बोहाइड्रेट बट इट इस जिसको आप बोल सकते हो ये वाला कंसंट्रेशन ये इस वाले परसेंटेज में नहीं है इस वाले रेशो में नहीं है रेमोज रेमोज की अगर हम जनरल फार्मूला देखेंगे सी सिक्स एच टाइव देखो लेटर टू एटम रेशो टू इज टू वन रेशो में नहीं है लेकिन अगर हम रेमोज की बात करें इट इज अ कार्बोहाइड्रेट सो अकॉर्डिंग टू ओल्डर डेफिनेशन ये कार्बोहाइड्रेट नहीं होना चाहिए मगर ये कार्बोहाइड्रेट है सो दिस इज द लिमिटेशन अगर हम फॉर्मल डेड की बात करेंगे फॉर्मल डेहड का मतलब होता है दिस इज नॉट ए कार्बोहाइड्रेट दिस इज अल दिस इज नॉट ए कार्बोहाइड्रेट लेकिन अगर हम कम्पोजिशन देखेंगे दो हाइड्रोजन है एक ऑक्सीजन है ये तो ठीक है ये तो ठीक है ये फिर कार्बोहाइड्रेट के साथ मैच होता है इसका रेशो कार्बोहाइड्रेट के साथ मैच होता है अगर हम ओल्डर डेफिनेशन की बात करेंगे हम बोलेंगे ये कार्बोहाइड्रेट है लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है सो तो इसके लिमिटेशन बहुत सारे है मोर ओवर अगर हम इश्ट एसिड की बात करेंगे वहां भी जो रेशो है टू इंस टू वन है लेकिन अगर हम कार्बोहाइड्रेट की केमिस्ट्री के बारे में दिखेंगे ये कार्बोहाइड्रेट नहीं, नहीं है एस्टिक एसिड कार्बोहाइड्रेट नहीं है दैट इज एसिड मगर रेशो पे वो कार्बोहाइड्रेट लगता है सो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ ओल्डर डेफिनेशन अगर हम मॉडर्न डेफिनेशन की बात करेंगे दीज आर दॉलीहाइड्रॉक्स एल्डिहाइड्स और कीटोन इन आइदर हेमी एस्टल और हेमी फॉर्म जो लास्ट वाला होगा उसमें ऑक्सीजन एक साइक्लिक रिंग बनाता है ये ख्याल रखना है जो भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं जैसे ग्लूकोज होता है फ्रेक्टोज जैसे राइबोज आर्बिनोज और एनी अदर कार्बोहाइड्रेट ये नॉर्मल चेन में नहीं होता है अनब्रांच नहीं होता है या सॉरी लीनियर चेन में नहीं होता है ये हमेशा साइक्लिक स्ट्रक्चर में होता है ज्यादातर

है, ड्रोलिस गिव्स लोअर कार्बोहाइड्रेट्स या जब हम इनकी हाइड्रोलिसिस करते हैं वो सिंपलेस्ट मानोसक्राइड हमें देते हैं ठीक है थीके? एक तो इसमें बहुत सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप्स होते हैं इन इसमें इधर अल्डिहाइड्रिक फंक्शनलिटी होगी या कीटोनिक फंक्शनलिटी होती है जिसको हम बोलते हैं अल्डोज कीटोज लेकिन हेमल और हेमिकटल फॉर्म में स्पेशली अगर हम लवर देखेंगे टेल से अगर हम शुरुआत करेंगे जो दूसरा कार्बन होता है वहां से आपको एक हेमस्टल बनाना है टर्मिनल पे जहां आपका कार्बोहाइड्रेट होगा ऐसे देखो दिस इज टर्मिनल बीच में हमारे पास होते हैं ओ एच एस देखो अगर मैं बस चार ही लूंगा चार ही कार्बन में लूंगा एक दो तीन चार ये जो है स्पेशली ये जो है ना इसके बाद जो ये वाला कार्बन ये इस पे अटैक करता है ये क्या बनाएगा ये बनाएगा सी आइदर राइट साइड में अटैक होगा और हमारा जो ओ है ना वो यही रुकेगा ऐसे सी ऐसे भी बता सकते हो ऐसे और क्या है सी ओ एच और इसके साथ ऐसे है और साथ में यहां एच है सी एच टू ओ एच देखो राइट साइड में आ गया इसको बोलते अल्फा ये कितने कार्बन का है एक दो तीन चार चार ही का है क्योंकि चार ही कार्बन है एक दो तीन चार चार में हम नहीं बोल सके अगर पांच का होता तो फ्यूरेनोज बोलते अगर छह का होता है पायरानोज बोलते अगर राइट साइड में नीचे रखना है पायरनोज और फ्युरोज में अगर लेफ्ट साइड में ऊपर रखना है वो मैं आपको दिखाऊंगा बिल्कुल ईजी है ठीक है अच्छा इसके बाद हम बात करेंगे कि हमने मॉडर्न डेफिनेशन भी पढ़ी मॉडर्न डेफिनेशन के थ्रू दे कंटेन आइदर और और कीटोनिक इन फॉर्म ये मैंने आपको दिखाया लेकिन मैं आप नॉर्मल दिखाऊंगा दिस इज अल्डिहाइडिक फंक्शनलिटी साथ में हो, होंगे इसके साथ मनी अल्डिहाइडिक ग्रुप्स मनी हाइड्रोक्सिक ग्रुप्स सो दिस आर पॉलीहाइड्रोक्सी एक हाइड्रोक्सी तीन हेड्रॉक्स

फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते है ठीक है अच्छा इसके बाद है, product, हमारे पास अब कार्बोहाइड्रेट्स है हमें इनकी क्लासिफिकेशन करनी है हमने डेफिनेशन में बोला कि दे आर पोलेहाइड्रॉक्स अल्टीहाइड्रेसोन विच ऑन हाइड्रोलिस गिव सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट अब हम इनके हाइड्रोलाइसिस करेंगे हाइड्रोलाइसिस करेंगे हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है वाटर डालेंगे इनमें इसके बुनियाद पे हम देखेंगे देयर आर बेसिकली फोर टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट वन इज मोनोसैकराइड्स मोनोसैकराइड का मतलब होता है विच कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड फर्दर जो जिसको हम हाइड्रोलाइज फर्दर नहीं कर सकते इसका मतलब दिस इज द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट Which cannot बी हैड्रोलाइज फर्दर हैड्रोलाइज इसको हम फर्दर नहीं कर सकते हैं। अगर हम इसकी जनरल फॉर्मूला देखेंगी लाइक सी एक्स एच टू ओ एन लिखो यहां ठीक है वह एन कैन बी टू टू एट या थ्री टू एट भी बोलते हैं कभी कुबार थ्री टू एट होगा टू होगा थ्री होगा फोर होगा फाइव होगा एटसेट्रा ठीक है सो so ये इसकी जनरल फॉर्मूला है इसको हम फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते हैं। अच्छा अब आ जाएंगे हम दूसरे पे दैट इज ओलीगो ओलिगो का मतलब होता है ओलीगो ओलीगो सक्राइड ओलीगो सक्राइड्स की अगर हम बात करेंगे इनको हम दो से दस तक डिवाइड कर सकते हैं ब्रोक कर सकते हैं। अगर हम इसकी जनरल फार्मूला देखेंगे, अगर डाई सक्राइड है डाई का मतलब होता है दो मानो में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं ब्रोक डाउन कर सकते हैं। सो इट इज फर्दर ऑफ थ्री टाइप दैट इज डाई सक्राइड डाई सक्राइड का मतलब होता है विच कैन बी ब्रोकन इन टू टू मानो सक्राइड टू मानो सक्राइड. जनरल फार्मूला इसकी है सी एच ट्वेंटी फोर ओ एलेवन इसके टाइप्स कौन कौन से एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे इसमें सक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज एंड लैक्टोज माल्टोज एंड लैक्टोज दूसरा है ट्राई सक्राइड ट्राई का मतलब होता है तीन मानव में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं या ब्रोकडाउन डाउन कर सकते हैं तीन मानव तीन, तीन में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं ठीक है इसकी जनरल फार्मूला है ठीक है? अगर हम देखेंगे एक है हमारे पास रेफेनोज रेफेनोज एक कार्बोहाइड्रेट है अगर हम उसको हाइड्रोलाइज करेंगे रेफेनोज बहुत इंपॉर्टेंट ये ख्याल रखना है रेफेनोज को ऑन हाइड्रोलिस गिवर्स ग्लूकोज फैक्टोज एंड गलेक्टोज ग्लूकोज फैक्टोज एंड गलेक्टोज थ्री मॉलिक्यूल वन ऑफ ग्लूकोज फैक्टोज एंड गलेक्टोज वन ऑफ ग्लूकोज फैक्टोज एंड ग्लैक्टोज ठीक है इसके बाद हम देखेंगे ये था अब टेटरा सक्राइड है टेट्रा का मतलब होता है हम उनको चार मानोसक्राइडस में डाउन कर सकते हैं टेटरा सेक्राइड टेटरा सक्राइड सकाराइड टेटरा सक्राइड की अगर हम बात करेंगे चार कम चार हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट्स टेटरा की अगर हम एग्जांपल लेंगे एक और सक्राइड है या एक और हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है दैट को अगर हम हाइड्रोलिसिस करेंगे इट गिव्स वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज मालिक्यूल ऑफ फ्रैक्टोज एंड टू मालिक्यूल ऑफ गलेक्टोज टू मालिकटोज सिंपल है वहां हमें देता था वन मालिक्यूल ऑफ ग्लोकोज मालिकूल ऑफ फ्रैक्टोजलोज है gives, gives, glucose, fractose, and galactose. So, हमारे हो गए ओलिगोसक्राइडस अब तीसरा टाइप जो है दैट इज पॉलीसक्राइडस पॉली का मतलब होता है मोर देन फाइव या उससे ज्यादा बहुत लंबे वाले, वाले, वाले हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट्स होते हैं ठीक है सो दे गिव मनी हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट अपॉन हाइड्रोलिसिस सो तरह पॉलिसक्राइडस दे गिव मनी हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट मनी इसमें आपका आ जाएगा जैसे डेक्सट्रोज ठीक है जैसे सेलिलोज अगर हम जनरल फार्मूला यहां देखेंगे दैट इज सी सिक्स एच टेन ओ फाइव होल एन वायल एन कैन बी हंड्रेड टू मनी थाउजेंड मनी थाउजेंड थ्री थाउजेंड तक ठीक है सो दीज आर हो गए हमारी क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ हाइड्रोलिस प्रोडक्ट अगर हम इस, इसके बाद बात करेंगे फर्दर क्लासिफिकेशन है देर आर शुगर्स एंड नॉन शुगर्स एंड नॉन क्या होते हैं नॉन शुगर्स क्या होते हैं शुगर्स आपको कभी कभार क्वेश्चन आता है शुगर्स क्या होता है और नॉन शुगर्स क्या होता है नॉन शुगर्स शुगर्स आर कार्बोहाइड्रेट्स आर मानोसाकर दे आर मानोसाकर विच आर क्रिस्टलाइन सॉलिड आर क्रिस्टलाइन होते हैं सॉलेबल इन वाटर एंड इनमें क्या होता है टेस्ट होता है इनमें सो दे आर क्रिस्टलाइन सॉल्ड सॉलेबल इन वाटर एंड दे हैव टेस्ट दे कंटेन मानोसाकराइडस एंड क्या होते हैं दे आर पॉलिसक्राइडस विच आर एमआरफस इन नेचर दे आर इनसॉलिबल इन वाटर एंड दे आर टेस्टलेस सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन शुगर्स एंड नॉन शुगर्स इसके बाद और एक क्लासिफिकेशन है दैट इज क्या होते हैं एंड कीटोज क्या होते हैं अल्डोज एल्डोजेस एंड कीटोजेस कीटोजेस एल्डोज का मतलब होता है जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें फंक्शन मैन, फंक्शनलिटी होगी एल्डिहाइड एल्डिहाइड भी हेमीस्टाल फॉर्म में हेमीस्टाल फॉर्म में देखो सिंपल है हमारे पास मैं पहले ऐसे दिखाऊंगा इसको हम बोल सकते हैं अल्डो देखो अलडिहाइड फंक्शनलिटी है एक दो तीन चार इसको बोलेंगे हम अल्डो चार कार्बन है टेटरो फंक्शनलिटी है चार कार्बन एक दो तीन चार इसको बोलते टेट्रोस सिमिलर है अल्डो, अगर पांच कार्बन होंगे ऐसे सी ओ सी ओ एच सी ओ एच सी ओ एच सी ओ एच इसको बोलेंगे हम अल्डो टेट पेंटोस पांच कार्बन से अल्डो पेंटोस सिमिलरली अगर हमारे पास ऐसे होगा कीटोनिक फंक्शनलिटी होगी अच्छा इसको आपको बराबर हाइड्रोजनस भी रखनी है ये खुद ऑटोमेटिकली पता ही आप लोगों को इसको हम क्या बोलेंगे इसमें क्या है इसमें मसला यह है कि कीटोनिक फंक्शनलिटी है इसको बोलेंगे हम एक दो तीन चार कीटो टेट्रोज, कीटो टेट्रोज, कीटो टेट्रोज, कीटो है, इसलिए कीटोस कीटो हम बोलते हैं इसको कीटो टेट्रोस लेकिन हमेशा ख्याल रखना है ये जो अल्टी फंक्शनलिटी है या कीटोनिक फंक्शनलिटी है और हेम में होता है ठीक है इसके बाद हम देखेंगे रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स क्या होते हैं रिड्यूसिंग शुगर्स वो होते हैं जो रिड्यूस करेंगे टॉलविनस एंड फेंग सॉल्यूशन को टॉलविनस रेजेंट होता है जैसे ओमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट उसको रिड्यूस करेंगे सिल्वर मिरर हमारा बनता है एक प्रिस्पिटेट सिमिलरली क्यूप्रिक जो प्लस होता है उसको भी क्या करेंगे रिड्यूस दे आर नोन रिड्यूसिंग शुगर्स ज नॉन रिड्यूसिंग नहीं कर सकते है, को so, है हमारा, -reducing reducing so, का मतलब होता है सिंपल हमारे डायसकोराइडस हो सकते हैं सो डायसकोराइडस इनमी फॉर्म रिड्यूस reagent. अगर हम is सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट अमोनिकल सोल्यूशन अगर हम फेंग सोल्यूशन देखेंगे उसमें सी यू प्लस टू होता है इसको रिड्यूस करेगा सी यू टू ओ रेडिश कलर होता है रेडिश प्रिस्पिटेट होता है सो वो वाले कार्बोहाइड्रेट जो रिड्यूस करेंगे रेजेंट एंड फेंग सोल्यूशन को तैयार एज रिड्यूसिंग शुगर वैल एज शुगर्स कार्बोहाइड्रेट्स विच डोंट रिड्यूस द रिड्यूज रेजेंट आर नोन एज नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स इसके बाद महत्वपूर्ण टॉपिक पे हम आ जाएंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ स्ट्रक्चर हम देखेंगे पहले कुछ जो आपको याद रखने हैं ठीक है डी राइबोस की हम बात करेंगे देखो डी राइबोस पांच कार्बन होते एक दो तीन चार एंड पांच लास्ट वाला ऐसे सारे ऑक्सीजन जो है ना राइट right साइड में रखो इसको हम बोलते हैं डी राइबोस राइबोस पांच कार्बन से डी का मतलब होता है जो पेनल्टीमेट कार्बन होता है इसकी भी हम बात कर सकते हैं यहां ठीक है या इस या इसी की बात करो इसका मतलब होता है डी राइट साइड में इसी वजह से हमने डी रखा है अगर ये लेफ्ट साइड में होता है तो एल हम हमें रखना है एल हमें रखना था अगर ये लेफ्ट साइड में होता देन एल हमें रखना था अच्छा दूसरा हमारा है टू डिऑक्सी यही होगा यही है डिऑक्सी का मतलब होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन तो यहां भी हमने टू वाले कार्बन पे हाइड्रोजन निकाल सॉरी ऑक्सीजन निकाला है बाकी सारा रखना है सेम इसको बोलते हैं टू डे राइबोस ठीक है मुश्किल नहीं होने चाहिए बिल्कुल इजी है इसके बाद हमें देखना है फ्रैक्टोज ग्लूकोज फ्रैक्टोज एंड गलेक्टोज फ्रक्टोज एंड गलेक्टोज ग्लूकोज की अगर हम बात करेंगे छे कार्बन का बना होता है ऐसे सी ओ एच दो तीन चार पांच छ राइट साइड में यहां भी यहां भी राइट साइड में ठीक है फिर लेफ्ट साइड में राइट साइड में इसी वजह से डी प्लस आ जाएगा ये है ना राइट साइड में ये 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 है इसका राइट साइड में है है ये इसका ये इसका राइट साइड में तो ख्याल रखना है आपको ये जो डी ओ एच है राइट साइड में डी आ जाएगा ये जो मेड मैन फंक्शनलिटी पे राइट साइड में ये प्लस आ जाएगा जिसको बोलते हैं ग्लूकोज इस वाले फॉर्म में जो आपको बेसिक नॉर्मल ओपन चेन स्ट्रक्चर आ गया है ये ओपन चेन में नहीं होता है ये साइकिल फॉर्म में होता है फॉर्म में देखो ये वाला पेनाल्टीमेट कार्बन होता है इसकी इससे ज्यादा स्टेबिलिटी होती है जो हमारा सिक्स मेम्बर बन जाएगा ये क्या करता है ये आदर यहां से भी अटैक कर सकता है ये पीछे साइड से भी अटैक कर सकता है क्योंकि जो इसका एंटीबॉडी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है इट इज ऊपर एंड नीचे ऊपर भी होता है नीचे भी होता है ऊपर साइड से भी अटैक कर सकता है बैक साइड से भी अटैक कर सकता है अगर पीछे साइड से अटैक किया तो ये आगे जाएगा अगर फ्रंट साइड से अटैक किया तो ये पीछे जाएगा इसको बोलते हैं म्यूटा रोटेशन एनो मेरे कार्बन पे नया एसिमेट्रिक कार्बन बन जाएगा इसको बोलते हैं एकरल कार्बन पहले था अब हमारा काइरल भी बन सकता है मेबी काइरल भी बन सकता है सो एकरल कार्बन पहले था काइरल भी बन सकता है अब दूसरा चीज एनोमेरिक कार्बन है एनोमेरिक का मतलब होता है जब ये फर्स्ट कार्बन पे कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक करता है ओ एच कैन बी राइट साइड ओ एच कैन बी लेफ्ट साइड इसको बोलते हैं अल्फा डी ग्लोकोज बीटा डी दिस प्रोसेस वैल वी हैव द स्पेसिफिक रोटेशन डिफरेंट स्पेसिफिक रोटेशंस एंड आर क्रिस्टलाइन सॉल्ट्स दे आर दे दे बिकम क्रिस्टलाइन इन पर्टिकुलर सॉल्यूशंस ये जो अल्फा वाला होता है ना एक्वा सॉल्यूशन एट अराउंड 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये क्रिस्टलाइज होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट अराउंड 146 होता है एंड स्पेसिफिक रोटेशन या म्यूटा रोटेशन इट इज अराउंड 1119 119 और 1 आई थिंक दैट 119 119 होता है या 122 भी बोल सकते हैं इसको दूसरा जो बीटा फॉर्म में होता है जिसमें फ्रंट साइड से अटैक आता है बैक साइड में होता है उसका स्पेसिफिक रोटेशन 19 होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट अराउंडी एट होता है और वो क्रिस्टलाइन होता है ग्लेशियल एसिड में ये चीजें याद रखनी यही आता है एग्जाम में ठीक है इसमें हम बना सकते हैं देखो अगर बैक साइड से मैं अटैक करूंगा बैक साइड से मैं अटैक करूंगा तो ये क्या बन जाएगा फ्रंट साइड से ओ OH एच बन जाएगा बैक साइड से किसने अटैक किया इस वाले ऑक्सीजन ने तो ये हेमी एस्टर बन जाएगा ऐसे लास्ट पे नल्टीमेट पे ऐसे बन जाएगा सी और साथ में हमारा सी एच टू ओ एच और एच सी ओ एच सी एच ओ एच एंड हमारा है सी ओ एच एच और यहां इसके साथ और यहां एच देखो ये ओ एच राइट साइड में आ गया इसको बोलते हैं अल्फा अल्फा ये नाम बाकी सेम ही रखना है डी प्लस गुलकोज एल्फा डी प्लस गुलकोज अगर अब ये बैक साइड से अटैक हमने करवाया ये बैक साइड से इसने अटैक किया इसलिए इस फ्रंट साइड से ओ एच आ गया

ये सॉल्यूशन में क्रिस्टलाइन होता है मेल्टिंग पॉइंट पॉइंट या इसका थर्टी डिग्री सेंटीग्रेड इस पे ये होता है, में, aquas, aquas boiling, या मेल्टिंग रोटेशन होती है 119 degree, 1190 degree. देखो यार ये जो में है, एक दो तीन चार पांच छह मेबोर्ड रिंग इसको हम ऐसे बनाते हैं ख्याल रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसको हमें कैसे बनाना है छह मेंबर ड्रिंक बनाओ बना दिया आप लोगों ने ऑक्सीजन तो रखना ही है क्योंकि ये ऑक्सीजन बीच में है रख दिया आप लोगों ने ये जो है ना दिस इज फर्स्ट कार्बन दिस इज सेकंड कार्बन दिस इज थर्ड दिस इज फोर्थ दिस इज फिफ्थ एंड दिस इज सिक्स कार्बन हम फर्स्ट कार्बन की बात करेंगे फर्स्ट कार्बन की अगर हम बात करेंगे ओ एच राइट साइड में है नीचे राइट साइड में जो भी है उसको नीचे रखना है नीचे रखा एच तो ऊपर आ जाएगा ऑटोमेटिकली दूसरे कार्बन पे भी ओ एच राइट साइड में है तो नीचे रखो ऐसे रखा ओ एच नीचे तीसरे कार्बन की अगर हम बात करेंगे ओ एच लेफ्ट साइड में तो ऊपर करना है ऐसे ऊपर रखना है चौथे पे है राइट साइड में तो नीचे देखना है पांचवे पे क्या है पांचवे पे डायरेक्ट अटैच है ऑक्सीजन के साथ ये वाला अटैचमेंट और छठे पे हमेशा याद रखना है ऊपर ही रखना है खत्म दिस इज गुलरानोज पायरानोज या अल्फा गुल पायरानोज क्योंकि ओ जो है ना पहले कार्बन पे नीचे नीचे ठीक है बिल्कुल ईजी है अच्छा अगर आपको बीटा अब बनाना है बीटा बस आपको ये ओ OH एच ऊपर रखना है क्योंकि यहां लेफ्ट साइड में वो बन जाएगा बाकी तो सेम ही रहेगा ऊपर आ जाएगा सो द मेन डिफरेंस इन ग्लूको पायरनोज आर अल्फा ग्लूको पायर एंड बीटा ग्लको पायर में फर्स्ट कार्बन की बात हम करेंगे दिस इज ऑल्सो नोन एज एनोमेरिक कार्बन देखो यार ये कायरल कार्बन भी हमारा बन गया चार डिफरेंट ग्रुप अटैच है ए ग्रुप डिफरेंट दूसरा ग्रुप डिफरेंट तीसरा ग्रुप डिफरेंट चौथा ग्रुप डिफरेंट इस कार्बन को एनोमेरिक कार्बन भी बोलते हैं बिकॉज़ डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ़ क्वेश्चन में सॉल्व करना है ठीक है अच्छा इसके बाद हम बात करेंगे व्हाट आर द डिफरेंट रिएक्शंस ऑफ स्ट तो ग्लूकोज की ही बात हम करेंगे या फ्रेक्टोज या ग्लेक्टोज, और ग्लेक्टोज एटसेट्रा एक मॉलिक्यूल की हमें बात करनी है रेस्ट मॉलिक्यूल की भी वही बात होगी ठीक है सो म्यूटा रोटेशन बिल्कुल इजी है हमारे पास दो क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस होते हैं ग्लूकोज में एक तो अल्फा डी ग्लूकोज राइट साइड में वैश बनता है जब आप अटैक करवाते हो एनोमेरिक कार्बन पे

हम उनको ऐसी रखेंगे जो स्पेसिफिक रोटेशन अल्फा डी ग्लूकोज की होती है वो कम होती जाती है टूवर्ड इक्म इक्वल हमारा ओपन स्ट्रक्चर होता है दैट हेज स्पेसिफिक रोटेशन अराउंडी डिग्री थ्री डिग्री डिग्री एल्फा का वन वन नाइन है वो कम होते जा रहा है फिफ्टी थ्री तक बीटा का नाइनटीन है वो बढ़ता जा रहा है फिफ्टीन फिफ्टी थ्री तक सो एल्फा घटता है फिफ्टी थ्री तक बीटा बढ़ता है नाइनटीन से फिफ्टी थ्री तक दिस इज नोन एज म्यूटा रोटेशन दिस इज नोन एज म्यूटा रोटेशन अब हम आ जाएंगे रिएक्शन पे रिएक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स मेन रिएक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट्स की हम बात करेंगे डायरेक्ट रिएक्शन है फर्स्ट ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमारे पास आइदर अल्डीहाइडिक फंक्शनलिटी है कीटोनिक फंक्शनलिटी है अल्डिहाइडिक फंक्शनलिटी है उसको बोलते अल्डोज कीटोनिक फंक्शनलिटी है उसको बोलते कीटोज सो रिएक्शन इज है फर्स्ट विथ विथ नॉर्मल और वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और वीक ऑक्सीडेशन जिसको हम बोलते हैं ब्रोमिन वाटर इसमें डालेंगे ब्रोमिन वाटर के साथ ट्रीट करेंगे ठीक है सपोज मैं ग्लूकोज लूंगा डायरेक्ट देखो ये चार ऑक्सीजन जो है ना हाइड्रोक्सी ग्रुप हाइड्रोक्सीम है इसलिए मैं सी एच ओ एच होल फोर भी लिख सकता हूं लास्ट में हमारा सी एच टू ओ एच है डिफरेंट है डिफरेंट डिफरेंट सेम जब हम ब्रोमिन वाटर के साथ इसको ट्रीट करेंगे ऑक्सीडेशन हम करते हैं ऑक्सीडेशन हम करते हैं शन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन लेकिन वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ये गुलकोनिक एसिड बनाएगा गुलच ओ एच होल फोर सी एच टू ओ एच ये वाला ऑक्सीडाइज होगा इसको बोलते ग्लुकोनिक एसिड लेकिन अगर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे लाइक नाइट्रिक एसिड अगर हम यहां लेंगे एच एन ओ थ्री सो so, ये भी एसिड में चेंज होता है और जो नीचे होता है ना ये भी एसिड में चेंज होता है एसिड दोनों क्या बन जाएंगे? यहां बन जाएगा सी ओ ओ आई जिसको हम बोलते हैं एसिड so, सो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में गुलकॉनिक एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में ग्लुकॉरिक एसिड सो ख्याल रखना है इसमें ठीक है बिल्कुल ईजी है अच्छा इसके बाद दूसरी रिएक्शन दूसरी रिएक्शन रिएक्शन विथ रिड्यूसिंग एजेंट लाइक एच टू पी टी या पी डी और एन ए बी एच फोर बनता है सोरबिटॉल को अगर हम हाइड्रोजन आयोडाइड साथ में रेड फॉस्पोरस को हीट अप करेंगे उसके साथ ट्रीट करेंगे। एन बनता है। है, इसका मतलब मतलब जब एन बनने का मतलब होता है, हमारा जो ग्लूकोज है ना, में होता है। है। सपोज हमारे पास सा इसी वजह से मैंने इनको क्या किया इकट्ठा मर्ज किया फिर मैं लास्ट में लिखूंगा सी एच टू ओ एच जब हम इसको ट्रीट करेंगे साथ रिड्यूसिंग एजेंट के साथ, H2PDI, या, बन जाएगा ये जो हमारा एल्डिहाइडिक फंक्शनलिटी है इट इज कन्वर्टेड इनटू अल्कोहोलिक फंक्शनैलिटी CH2OH ठीक है CHOH होल 4 CH2OH देखो ख्याल रखना है अगर आपने इसमें आप वीक एसिड बना डाल दिया तो ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा सॉरी वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक ब्रोमीन वाटर नहीं हो जाएगा लेकिन अगर आपने स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे नाइट्रिक एसिड डाल दिया तो फिर से हमारे दोनों जो कार्बन है ना वो एच में चेंज हो जाएंगे जिसको बोलते हैं ग्लुकॉरिक एसिड है। आपको तरतीब के साथ आप रिएक्शन याद रखनी है यह नहीं है कि आप बस एक ही चीज याद रखोगे आपको ग्लुकोरिक एसिड भी बनाना है ग्लुकोनिक एसिड भी बनाना है ग्लूकोनिक एसिड तब बन जाएगा जब हमारे पास एल्डिहाइडिक फंक्शनलिटी होगी साथ में ब्रोमीन वाटर होगा लेकिन नहीं होगा अल्कोहलिक फंक्शनलिटी लाइक दिस आपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दिया नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड तो आपका क्या बन जाएगा ग्लूकोरेप दोनों ऑक्सीडाइज हो जाएंगे अच्छा इसके बाद मैं क्या बोल रहा था यहां अगर हम इसके साथ ट्रीट करेंगे इन रेड रेड साथ में हीट अप करेंगे इट इज कन्वर्टेड इनटू एन एन हेक्सेन हेक्सेन का मतलब होता है दिस इज लीनियर शेप ये जो हमारा ग्लूकोज होगा इट इज इन लीनियर शेप लीनियर होगा तब भी हमारा हेक्सेन बनेगा अगर ब्रांचेड होता है एन हेक्सेन नहीं बनता नॉर्मल हेक्सेन नहीं बनता ठीक है इसके बाद तीसरे तीसरी रिएक्शन जो है स्टाइलेशन रिएक्शन स्टाइलेशन एस्टाइलेशन का मतलब होता है एस्टाइल ग्रुप ऐड करना इन प्रेजेंस ऑफ लिविस लाइक जड एन टू और एनी अदर लिविस एस्टाइलेशन जैसे आप फेडरल क्राफ्ट एस्टाइलेशन आइल अल्कलेशन कर रहे हो वैसे करना है यहाँ भी हमारे पास एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है ऐसे देखो चारों में बनाऊंगा इस वक्त क्योंकि जरूरत है चारों की चार एक दो मैंने ऐसे ही बनाया अदरवाइज ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है मैंने नॉर्मल बना रहा हूं एक दो तीन चार पांच छू ओ एच एक दो तीन चार पांच छ्या डालूंगा सी सिक्स एच फाइव या सी ओ एनहाड्राइड डालूंगा इसमें सी ओ सी सिक्स एक्स एस तो क्या हो जाएगा स्टाइलेशन हो जाएगी यहाँ से भी पांच सब चार मालिक्यूल में ये लूंगा ये इस पे अटैक करेगा रिमोल ऑफ स्टाइल सिमिलरली ये भी सिमिलरली ये भी सिमिलरली ये भी ये नहीं ये, दिस डिफरेंट ये नहीं सो चार मालिक्यूल बीच में आ जाएंगे ऐसे बन जाएगा सी ओ एच ऐसे बन जाएगा सी ओ सी ओ सी सिक्स एच फाइव ऐसे कंटिन्यूसली सी ओ सी ओ सी सिक्स एच फाइव सी ओ सीओ सी सिक्स एच फाइव साथ में क्या निकल जाएगा पांच मालिक्यूल यहां से एसिड के निकल जाएंगे बेंजोइक एसिड के निकल जाएंगे पांच मालिक्यूल सो दिस रिएक्शन इज स्टाइलेशन रिएक्शन स्टाइलेशन रिएक्शन से हमें कन्फर्म होता है कि देयर आर फोर इक्वल या सेम हाइड्रोक्सिक ग्रुप्स प्रेजेंट

ओक्साजोन फॉर्मेशन या ओसाजोन फॉर्मेशन या ग्लूको ओसाजोन फार्मेशन ठीक है ओसाजोन हैड्राजोन ओसाजोन ये भी बहुत महत्वपूर्ण रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसे हमें पता चलता है कि ग्लूकोज में कितने हमारे हाइड्रोक्सी ग्रुप्स और हमारे पास क्या क्या ग्रुप होता है एल्डिहाइडिक फंक्शनलिटी होती है उसमें या कीटोनिक फंक्शनलिटी होती है सो रिएक्शन विथ फिनाइल हाइड्राजीन With phenyl hydrazine. Phenyl hydrazine. Phenyl hydrazine. अगर हम के साथ ट्रीट करेंगे ग्लूकोज को फिनाइल हाइड्रोजोन बनता है फर्दर हम डालेंगे फिनाइल हाइड्रोजीन फर्दर हमारा एक ऑक्सीडेशन होता है फिर लास्ट में वो मिलता है बनाता है ग्लूको ओसाजोन तो ख्याल रखना है आपको आपको फिनाइल हाइड्रोजिन अगर आपने डायरेक्ट बना दिया ऐसे डाल दिया देखो दिस इज ग्लूकोज मॉलिक्यूल हमारे पास सी एच ओ एच ऐसे में बनाऊंगा अलग से एक ओ एच और तीन ऐसे ही रखूंगा सी एच ओ एच होल थ्री लास्ट में सी एच टू यह आपको पता होना चाहिए आप अगर हम फिनाइल हाइड्रोजीन डालेंगे एन एच टू एन एच सी सिक्स एच फाइव क्या हो जाएगा फिनाइल हाइड्राजोन बन जाएगा फिनाइल दिस इज फिनाइल हाइड्राजीन फिनाइल हाइड्राजीन एंटरजियन दिस इज ग्लूकोज मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा ये निकल जाएगा वाटर मॉलिक्यूल यहां से निकल जाएगा टू डायरेक्ट मैं रिएक्शन करा रहा हूं फिनाइल हाइड्रैजोन बन जाएगा ग्लूको ग्लूको फिनाइल हाइड्रैजोन भी बन जाएगा ऐसे इसको बोलते हैं ग्लूको ठीक है अगर हम फर्दर ये डालेंगे ये जो है ना हमारा दूसरे कार्बन पे ओ OH, एच ये पहले फॉर्म में चेंज हो जाएगा फिर उसके बाद ऐसी रिएक्शन करेगा इसके साथ दैट इज नोन एज ओसाजोन ओसाजोन सो ओसाजोन से भी हमें पता चलता है कि देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेड्रोक्स ग्रुप्स लेकिन मेन चीज क्या है हमारे पास अल्डीहाइड्रिक फंक्शनलिटी है फिनाइल हाइड्राजीन से हमें पता चल गया जो फिनाइल हाइड्रोजोन बन गया इट मीनस दैट देर इज प्रेजेंस ऑफ अल्टीहाइड्रिक फंक्शनलिटी एट टर्मिनल कार्बन अच्छा इसके बाद अगर हम बात करेंगे कि रिएजेंट को या इसके रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज भी होते हैं ग्लूकोज के ग्लूकोज या याक्राइडस के रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज भी होते हैं जैसे टोल रिएजेंट को जो रिड्यूस करेगा किस में सिल्वर मिरर में साथ में ग्लूकोनिक एसिड वहां से निकलता है खुद ऑक्सीडाइज होता है दूसरे को रिड्यूस करता है टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस करता है फिलिंग सोल्यूशन को रिड्यूस करता है जैसे सीयू प्लस टू होता है उसको भी रिड्यूस करता है दीज आर द इंपॉर्टेंट दीज आर द रिड्यूसिंग रेजेंट यहाँ इसके रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज हमें बताता है वो ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया इसके बाद है जो हमारा ग्लूकोज चेन है लंबी है इसको हम लेंथनिंग भी कर सकते हैं उसको हम कम भी कर सकते कंप्रेस भी कर सकते हैं लेंथनिंग को क्लियर सिंथेसिस बोलते हैं जो छोटा हम करेंगे मर्ज जिसको हम करते हैं एक होता है लेंथनिंग दूसरा होता है उसको हम कम करेंगे ठीक है उसको बोलते हैं रफ डिग्रेडेशन सो दो चीजें या लेंथनिंग एंड दूसरा है मर्जिंग हम छोटा बनाएंगे ठीक है रूफ डिग्रेडेशन डिग्रेडेड करेंगे हम प्रोडक्ट्स को आपको आ जाएगा डायरेक्ट क्वेश्चन एंट्रेंस में कि क्लेनस आपको वहां से सोल्वेंटस देंगे रेजेंट्स पर्टिकुलर देंगे बोलेंगे इसमें कौन सा प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा दूसरा देंगे तो कौन सा प्रोडक्ट बन जाएगा चेन लेंथनिंग चेन लेंथनिंग इसको बोलते हैं क्लैन सिंथेसिस कोई सा भी कार्बोहाइड्रेट हो अगर आपकी कंडीशन सेम होंगी तो सेम प्रोडक्ट आपका बन जाएगा मतलब वही वाली कंडीशन है तो वो वही वाला मैकेनिज्म फॉलो करेगा सिंथेसिस में क्या है हमारे पास अगर ये है देखो टर्मिनल पे आपको फोकस करना है बाकी तो सेम है -O -H, whole, four, -O -H. आपको पहले ट्रेड करवाएंगे एच सी एल के साथ एच सी एन के साथ सॉरी एच सी एन हाइड्रोजन बन जाएगा इसी के साथ हाइड्रोलिस भी करनी है इसी यहां अलग भी हो सकती है तो पहले क्या बन जाएगा हमारा ऐसे सी ओ एच सी एन ठीक है बिल्कुल इजी है ये जो एच सी एन है ये दूसरे स्टेप में करवाऊंगा मैं एच सी एन सी एन नेगेटिव है ना इसने यहां पे अटैक किया तो यहां से ये जो ओ एच है ना ये आई से आ गया ओ एच ने प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट किया सी एन आई रह गया बाकी सेम है ए सी एच ओ एच होल फोर सी एच टू ओ एच इसके बाद हाइड्रोलिसिस इन एसिडिक मीडियम एच प्लस ये क्या बन जाएगा सीओ ओ एच ठीक है एसिड भी बोल सकते इसको सी एच ओ एच होल फोर देखो एक कार्बन का इजाफा हो गया अब कितने है? एक चार पांच छ सात बन गए लास्ट में रिडक्शन करनी है रिडक्शन होगा रिडक्शन रिडक्शन का मतलब होता है ये फर्दर अल्टिहाइडिक फंक्शनलिटी में आ गया चेंज बाकी एक बढ़ गया जब एक बढ़ गया तो इसको बोलते हैं चेन लेंथनिक तो कैसे बढ़ जाएगा एशियन के साथ ट्रीटमेंट करनी है फॉलोड बाय हाइड्रोलिस इन एसिडिक मीडियम और लास्ट में रिडक्शन करनी है तीन स्टेप्स में होगा सो ये कंडीशन दी गई है आपको प्रोडक्ट देंगे लंबा वाला प्रोडक्ट आपको चूज करना है सात वाला अगर पांच है छ मेबोर्ड वाला अगर चार है पांच मेम्बर्ड वाला सो ख्याल रखना है बिल्कुल ईजी है ठीक है अच्छा इसके बाद डिग्रेडेशन की अगर हम बात करें रूफ डिग्रेडेशन चेन शॉर्टनिंग भी बोलते हैं उसको चेन शॉर्टनिंग चेन शॉर्टनिंग चेन शॉर्टनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है अगेन में ग्लूकोज मालिक्यूल लूंगा अगेन मैंने ग्लूकोज मालिक्यूल ले लिया लेकिन कंडीशन डिफरेंट होंगी कैल्शियम सल्फेट भी बोल सकते हो एच टू ओ टू हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इन फिर सल्फेट देखो ये कंडीशन जब होंगे तो डिग्रेडेशन हो जाएगा डायरेक्ट ये कंडीशंस आपको मिलेंगे तो डिग्रेडेशन हो जाएगी डिग्रेडेशन का मतलब होता है एक कार्बन कम हो गया सो so आप करवा सकते हो कम एक कार्बन करवा एक कम कार्बन कम सी एच ओ एच होल थ्री देखो एक कार्बन कम हो गया सो आर डिफरेंट कंडीशन अगर आपके पास कंडीशन वही वाले एच सी एन वाली फॉलो बाई हाइड्रोलिस फॉलोड बाई रिडक्शन तो लेंथनिंग हो जाएगी अगर आपके पास कैल्शियम प्लस टू है हाइड्रोजन पोरऑक्साइड है फिर सल्फेट है तो शॉर्टनिंग हो जाएगी चेन की तो so, कार्बोहाइड्रेट हमारा टॉपिक जो है इट इज ऑलमोस्ट कंप्लीट इसके बाद हम प्रोटीनस की बात करेंगे फिर उसके बाद न्यूक्लियोसाइड्स या न्यूक्लियोटाइड्स की बात करेंगे या न्यूक्लिक एसिड्स की बात करेंगे थैंक यू फॉर योर कॉपरेशन